तो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रतीक और आज एक स्मार्टफोन आ चुका है इंडिया में जो कि नाम है पोको M2 Pro। लेकिन ये फोन कॉपी है और किसका कॉपी है ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और कैसा है ये फोन और क्या क्या इसमें अच्छाइयां है और क्या क्या खराबियां, आज इसके बारे में बात। डिस्प्ले की बात कर ले तो डिस्प्ले इसका 6.67 इंचेज का है जो कि फुल HD है और HDR 10 पे है, तो डिस्प्ले थोड़ा पंची दिखेगा। और ये 60Hz इसका रिफ्रेश रेट है जो कि ये प्राइस पॉइंट में थोड़ा सा कम रहेगा, पबजी खेलने में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 90Hz का डिस्प्ले देखने को मिल सकता था लेकिन यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की गई है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है, वो भी 5 का, और ये बैक साइड भी है और फ्रंट साइड भी है, तो टूटने का थोड़ा सा कम चांसेस है। अगर मेमोरी की बात कर लें तो 6GB की रैम और 64GB की स्टोरेज, 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज, और 6GB का रैम और 128GB का स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा, जिसके तीनों प्राइस पॉइंट अलग हैं, जो आपको एक 14,000 में मिलेगा, एक 15,000 में मिलेगा, और जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 17,000 का। प्रोसेसर की बात कर ले तो 720G का प्रोसेसर मिलेगा जो कि आपका ऑक्टा कोर 2.3GHz पे बेस्ड है, तो ये काफी अच्छा प्रोसेसर है। अगर प्रोसेसर के माने में काफी स्मूथ चलेगा तो जो कि आपको एक बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है। और एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है जो कि MIUI 11 पे बेस्ड है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा MIUI का चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आपको बोल रहा है कि एड्स फ्री रहेंगे, लेकिन प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर कैमरा की बात कर लें तो 48MP आपको रियर कैमरा मिलेगा, 8MP का आपको वाइड एंगल कैमरा मिलेगा, और 5MP का आपको माइक्रो लेंस कैमरा मिलेगा, और 2MP का डीप सेंसर आपको कैमरा मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा है। और कैमरा का जो 48, 5, 108 ये मायने नहीं रहता आपके जीवन में, कैमरा बहुत ही अच्छा है, बेटर परफॉर्मेंस है, सेम रेडमी नोट 9 Pro का ही वर्जन है, तो सेम उसी के जैसा आपको कैमरा देखने को मिलेगा और फोटोज। और फ्रंट कैमरा की बात कर लें तो 16MP पंच होल सेंटर में देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छा है और बहुत ही तगड़ी फोटो लेता है। और अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 4K का सपोर्ट मिलता है जो कि 30fps और 60fps पे आप वीडियो बना सकते हैं, तो काफी ये तगड़ी चीज है, आप वीडियो बनाइए और खुशियां फैलाइए। अगर बैटरी की बात कर लें तो 5000mAh की बैटरी है जो कि आज के हिसाब से काफी तगड़ी है, क्योंकि सारे फोन्स में ही 5000mAh की बैटरी आती है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, यहां पे Redmi Note 9 Pro 5020mAh की बैटरी दे रहा है। पोको आपके जीवन को देखते हुए एक तगड़ा इनोवेशन किया है जो कि आपका 33W का चार्जर दे रहा है जो कि आपको 1 घंटे से 1.5 घंटे में बैटरी फुल हो जाएगी। इतनी तगड़ी स्पीड से आपको चार्ज करेगा कि मतलब ट्रेन छूट जाए लेकिन फोन नहीं छूटेगा। फास्ट चार्जर का सपोर्ट दिया है जो कि टाइप सी का है, और यहाँ पे आपको एक केस मिलेगा जो कि इनबॉक्स रहेगा ब्लैक कलर का, और काफी अच्छा फोन है। मेरे ओपिनियन के हिसाब से फोन काफी सिमिलर है रेडमी नोट 9 प्रो से। अगर पोको की ब्रांडिंग पे अगर आप देखना चाहते हैं ये फोन, तो आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं, मेड इन इंडिया है, मतलब असेंबल्ड इन इंडिया है। और हाँ फ्रेंड्स, सबसे जरूरी चीज, अगर लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंडों के साथ, और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिएगा, क्योंकि सस्ती मस्ती लेकर ऐसे ही आते रहेंगे। और फिंगरप्रिंट की बात कर ले तो फिंगरप्रिंट आपको मिलता है साइड में, जो पावर बटन होता है उस पे ही आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा, तो काफी अच्छा है, आपको उंगली पीछे नहीं ले जानी पड़ेगी, साइड में ही आप बटन को क्लिक कीजिए और काफी तगड़े से खोलेगा फोन। फिंगरप्रिंट के साथ साथ फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिलता है जो कि काफी तगड़ा है। इस प्राइस पॉइंट में अगर आप 14,000 रुपए दे रहे हैं तो पोको की ब्रांडिंग के साथ ये फोन काफी तगड़ा आपको मिल जाएगा, ये एक अच्छी डील होगी। और इसका सेल 14 तारीख को आने वाला है जो कि फ्लिपकार्ट पे है, रेडमी नोट 9 प्रो का जो सेल है वो आपका Amazon पे है, तो बस इतनी सी डिफरेंस देखने को मिलेंगी, बाकी सब सिमिलर ही है। अगर आप एक नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो एक बेहतर डील हो सकती है, बट आपका 6GB 128GB वाला वेरिएंट जो है, अगर वो खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको Motorola One Fusion की तरफ जाना चाहिए जो कि काफी तगड़ा है इस प्राइस रेंज में, तो आप एक बार मोटो का भी टच कर लेंगे क्योंकि मेड इन चाइना नहीं है। अगर आपको अच्छी डील चाहिए 4GB 64GB वाला, तो आप ये फोन खरीद सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।